वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के चैप्टर को कर रहे थे और पार्शियल डेरिवेटिव्स में हमने पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग देखा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखा। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस होंगे, कुछ थ्योरम्स होंगे वो करेंगे। थ्योरम्स बहुत ईजी हैं और उसको हम अप्लाई भी करेंगे क्वेश्चंस के लिए। तो फर्स्ट हम जो आज टॉपिक करने जा रहे हैं, पहले हम होमोजीनियस फंक्शन करेंगे, फिर आयलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन और उसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस के ऊपर फिर आएंगे। तो पहले होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है हमारे पास, उसके ऊपर आ रहे हैं। होमोजीनियस फंक्शन की अगर हम सिंपल डेफिनेशन दें कि ऐसा फंक्शन जिसमें हर टर्म की डिग्री जो हो वो सेम हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन है, यहाँ कितने भी वेरिएबल्स का फंक्शन हो सकता है, सिंपल दो वेरिएबल्स की बजाय तीन का, चार का, कितने भी वेरिएबल्स का फंक्शन। किसी फंक्शन को होमोजीनियस कब कहोगे, इफ ईच टर्म ऑफ द फंक्शन हैज डिग्री सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ 5x³y² देन 6 x y 4 प्लस 7 y 5 प्लस 8 x³y³ एंड देन 9 y 5। अब यहाँ x 5, तो अब यहाँ देखो हर एक टर्म की डिग्री कितनी है, दोनों को मिला के जितने भी वेरिएबल्स में आ रही हैं हमारे पास दोनों को मिला के डिग्री देखनी है। यहाँ 3 और यहाँ 2 टोटल डिग्री 5, यहाँ 1 और यहाँ 4 टोटल डिग्री 5, यहाँ भी 5, 2 और 3 5, यहाँ भी 5। तो हर एक टर्म की डिग्री क्या है, 5 है। That means this is a homogeneous function of degree 5. This is homogeneous function of degree 5. तो homogeneous function का meaning यही कि हर एक term की degree same हो तब हम कहते हैं कि उसकी homogeneous degree n का है। अगर हम ये कहें कि homogeneous degree n का है तो इसका meaning क्या होगा, इसमें कौन कौन से terms हो सकते हैं, that is a naught x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 into y, हो सकता है a1 0 आ जाए, ये term बचे ही ना, बट देर इज पॉसिबिलिटी कि ये टर्म आ सकती है हमारे पास एन टर्म एन डिग्री की। ए टू एक्स रेस्ट पावर एन माइनस टू वाई स्क्वेयर, तो हम टोटल डिग्री एन बनानी है, एक्स की हम कम करते जा रहे हैं वाई की बढ़ाते जा रहे हैं। टर्म्स मिसिंग भी हो सकती हैं, हर एक टर्म होनी जरूरी नहीं है, बट ईच टर्म शुड हैव डिग्री सेम। तो हमारे पास लास्ट में जो टर्म बनेगी दैट वुड बी ए एन एक्स जीरो वाई रेस्ट पावर। तो दिस इज द हर एक टर्म की डिग्री एन एन है, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। अब हमारे पास ये तो पॉलीनोमियल फॉर्म में लिया, हमें डिग्री निकालना आसान था। कई बार हमारे पास पॉलीनोमियल फॉर्म में फंक्शन ना भी हो, इस तरह का फंक्शन हो x³ प्लस का y³ डिवाइडेड बाय x+y, ये फंक्शन दे रखो, क्या ये होमोजीनियस है। फिर आप इस तरह का फंक्शन भी हो सकता है, साइन इनवर्स x³ प्लस y³ ओवर x² प्लस y², दिस इज fxy, क्या ये होमोजीनियस है। तो इसलिए हमारे पास आप चेक करना कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, हमने एक दूसरी डेफिनेशन को डेवलप किया होमोजीनियस फंक्शन की। तो वो डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, कि अगर फंक्शन होमोजीनियस है, कि अगर हमारा ये फंक्शन होमोजीनियस है दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म, इस पूरी पॉलिनोमियल में से अगर हम x रेस्ट पावर n बाहर निकाल दें तो क्या बचेगा हमारे पास, a नोट प्लस a1 y बचा, और क्योंकि x की पावर n माइनस 1 है हमने बाहर तो x की पावर n निकाला तो एक x से डिवाइड हो जाएगा, टोटल पावर n माइनस 1 ही बचेगी। सेकेंड टर्म a2 दिस इज y² डिवाइडेड बाय x² हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n माइनस 2 है, यहाँ x की पावर n है तो यहाँ 2। चलते चलते हमारे पास ये बचा an yn डिवाइडेड बाय x की पावर। अब ये क्या हुआ, दिट इज एक्स रेस टू पावर एन। अब ये जो टर्म्स बच रही हैं, दिस इज ए नॉट प्लस ए वन वाई बाय एक्स रेस टू पावर 1 देन ए टू वाई बाय एक्स रेस टू का स्क्वेयर देन ए एन वाई ओवर एक्स रेस टू पावर एन, तो हमने इकट्ठा पावर लिख दी वाई बाय एक्स। इट मीन्स अंदर जो टर्म्स चल रही है दिट इज टर्म ऑफ वाई बाय एक्स, सिंगल वेर, अगर हम वाई बाय एक्स को सिंगल टर्म टी रखें तो ए नॉट ए वन टी ए टू टी स्क्वेयर एन टी रेस टू पावर है। इट मीन्स अंदर जो टर्म चल रही है वो सिंगल वेरिएबल बन चुके वाई बाई एक्स, तो दैट मीन्स दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म एक्स एन फाई ऑफ फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, सम फंक्शन ऑफ टी, टी हमारा वाई बाई एक्स है, तो अंदर जो भी टर्म्स चलेंगी दैट इज ऑफ द सिंगल वेरिएबल एक्स बाई वाई बाई एक्स। तो हमने इसको वाई बाई एक्स को अगर सिंगल टर्म माने तो हमारे पास इस तरह का बनेगा। तो हमारे पास क्या बना कि अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन है, अगर कोई भी फंक्शन होमोजीनियस है ऑफ डिग्री एन, तो एन यहाँ जो वैल्यू आ रही है दैट स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ द एफ एक्स वाई, तो
तो अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस है ऑफ डिग्री एन का, दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म एक्स रेस टू पावर एन इंटू में सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स वेयर वाई बाई एक्स स्टैंड फॉर द सिंगल टर्म. हमारे पास ये नहीं होगा कि वाई की अलग वैल्यू आ रही है एक्स की, तो वाई बाई एक्स की वैल्यू आनी चाहिए. तो हमारे पास होमोजीनियस की डेफिनेशन आ गई. दूसरी डेफिनेशन कि अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस है दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म एक्स रेस टू पावर एन फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स. फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था कि हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई. अब हमने इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास कन्वर्जन का मेथड क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स कॉमन ले लो. पहले तो न्यूमरेटर अलग से होमोजीनियस होना चाहिए, डिनोमिनेटर अलग से होमोजीनियस होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन होमोजीनियस बनने की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ हर एक टर्म की डिग्री 3 है, यहाँ हर एक टर्म की डिग्री 1 है. तो अब हमारे पास हम एक्स क्यूब अगर बाहर निकालें तो दैट वुड बी वाई बाय एक्स का क्यूब, एंड इधर से एक्स बाहर निकालोगे तो 1 प्लस वाई बाय एक्स. तो अब ये जो पूरा के पूरा बना हमारे पास, दिस इज फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, सारे के सारे जो टर्म्स आ रही वाई बाय एक्स सिंगल वेरिएबल में आ रही है, एक्स स्क्वायर बचा, एक एक्स कैंसिल कर दोगे, फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स. तो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2. यहाँ जो नंबर स्टैंड करेगा दैट स्टैंड फॉर डिग्री. तो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2. तो फर्स्टली जब हम इस तरह के एक्सप्रेशन को चेक कर रहे हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है, तो न्यूमरेटर की ईच टर्म हैव डिग्री सेम, डिनोमिनेटर की भी ईच टर्म हैव डिग्री सेम, तब हम टोटल डिग्री फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम उसको फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो टर्म आ रही होगी, ये जो वैल्यू होगी दैट स्टैंड फॉर डिग्री. तो दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2. तो अब हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जाम्पल यहाँ जाए, ये हमारे पास है सपोज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दिस इज एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई. तो पहले तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की हर एक टर्म की डिग्री सेम है, तो हम इसको अब बनाएंगे दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म एक्स रेस टू पावर एन फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स. तो अब हम इसमें से न्यूमरेटर में से हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन, तो एक्स ही है, एंड डिनोमिनेटर में से भी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन, सो दैट वुड बी एक्स इनवर्स हो जाएगा फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स. अंदर ये जो टर्म बची दिस इज फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स. तो दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री आ गई हमारे पास यहाँ? माइनस वन डिग्री. तो ऐसा नहीं कि डिग्री हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, तो दैट मे बी जीरो, दैट मे बी नेगेटिव. तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री माइनस वन. So this is homogeneous function of degree minus 1. Next question अब हमारे पास लेके चल रहे हैं. For example हमारे पास है यहाँ पर this is sine inverse x square plus y square divided by y square. So अगर हम इसको चेक करें, this is sine inverse x square, मैंने बाहर निकाला 1 by y by x का square and then y square. So this can be put in the form, ये एक्स स्क्वायर को हमने इससे डिवाइड कर दिया, दिस इज एक्स स्क्वायर. तो साइन इनवर्स 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर एंड देन वाई बाय एक्स का स्क्वायर. सो दिस इज फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, पूरा के पूरा ही फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स आया. यहाँ एक्स की पावर जीरो पर कुछ नहीं बचा. सो दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0. तो हमारे पास एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में से बाहर निकला, डिनोमिनेटर में एक्स है ही नहीं, तो यही जो एक्स आया हमने नीचे लेके चले गए ताकि वाई बाय एक्स की फॉर्म बन जाए. तो दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0. नेक्स्ट अब इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अब ले लिया यहाँ पर हमने एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, अब क्या बनेगा? दैट वुड बी साइन इनवर्स, न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर बाहर, डिनोमिनेटर में से एक्स क्यूब बाहर, सो दैट वुड बी साइन इनवर्स एक्स की पावर माइनस वन फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, या फिर यहां पर यू यही रहने, दिस इज 1 बाय एक्स का स्क्वायर 1 प्लस वाई बाय एक्स का क्यूब. सो इज दिस होमोजीनियस? अब ये पूरी क्वांटिटी हमारे पास एक्स, हमारे पास क्या फॉर्म थी? एक्स रेस टू पावर एन फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द होमोजीनियस. अब x की पावर n तो मैं बाहर नहीं निकाल सकती, इसमें x इनवर्स बाहर नहीं निकल सकता, साइन इनवर्स ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों नंबर, तो हमारे पास इस फॉर्म का बन ही नहीं रहा. ये अगर टर्म ना होती तो होमोजेनियस था, हमारे पास फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बच रहा था,
लेकिन अगर ये टर्म हमारे पास बच रही है तो हम वी कैन नॉट पुट इन दिस फॉर्म, सो दिस इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एनी डिग्री, होमोजीनियस ही नहीं है, डिग्री की बात ही नहीं करेंगे, सो दिस इज नॉट होमोजीनियस। तो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन को चेक करने के लिए हमारे पास अगर ये इस फॉर्म में पुट किया जा सके तो हम कहेंगे कि वो होमोजीनियस है और इसकी डिग्री क्या है, एन है। सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ द होमोजीनियस। अब हमारे पास होमोजीनियस के ऊपर कुछ रिजल्ट हैं। जो हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है दो वेरिएबल का, कितने का भी हो सकता है हमारे पास, फिलहाल हमने दो वेरिएबल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, हमारा चैप्टर ही टू वेरिएबल्स के लिए है, अदरवाइज इसको जनरलाइज कर सकते हैं हम कितने भी वेरिएबल्स तक। यू एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन, होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन, देन पार्शियल डेरिवेटिव, करली जू बाय करली एक्स, करली जू बाय करली वाई, डेरिवेटिव ऑफ ए यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स इज कॉन्स्टेंट, बोथ आर अगेन होमोजीनियस, जो डेरिवेटिव आएंगे वो भी होमोजीनियस होंगे, बोथ आर होमोजीनियस, ये फिर से होमोजीनियस होंगे बट डिग्री एक लेस हो जाएगी, कि अगर यू होमोजीनियस एन डिग्री का है तो यू के डेरिवेटिव जो फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव वो डिग्री एन माइनस वन के होमोजीनियस होंगे। तो करली यू बाई करली एक्स अब हमारे पास आ रहे हैं, यू होमोजीनियस हमें दे रखे, यू होमोजीनियस है ऑफ डिग्री एन, दैट मीन्स यू कैन बी पुट इन द फॉर्म, यू कैन बी पुट इन द फॉर्म एक्स रेज टू पावर एन फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, डिफ्रेंसिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस स्टैंड फॉर करली जू बाई करली एक्स, अब इसको प्रोडक्ट रूल से करोगे, दो नंबरों का प्रोडक्ट चल रहा है, तो पहले एक्स की पावर एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाई एज इट इज प्लस एक्स रेज टू पावर एन एज इट इज फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फाई इज फंक्शन ऑफ टी एंड टी इज फंक्शन ऑफ एक्स, इसको सिंगल वेरिएबल है हमारे पास, ये फाई इज फंक्शन ऑफ टी वेयर टी इज वाई बाय एक्स। तो हमने जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है तो पहले तो फाई का विद रिस्पेक्ट टू टी निकलेगा एंड देन टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे, दिस इज फंक्शन ऑफ टी एंड देन टी इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सो फाई डैश टी इंटू करली टी बाई करली एक्स, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तब क्या आ जाएगा, पहले तो फाई का ही फाई डैश हो जाएगा एंड देन अंदर वाली टर्म का फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई को कॉन्स्टेंट ट्रीट करने तो वन बाय एक्स का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वन बाय एक्स इज माइनस वन बाय स्क्वायर, वाई हमारा कॉन्स्टेंट है तो वो पड़ा रहेगा वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो पूरी में से अब हमने क्या किया, ये वाई बाय एक्स हमें चाहिए क्योंकि पूरी हमें होमोजीनियस बनाना है, तो ईच टर्म्स इनकी हमारे पास जो भी फंक्शन है वाई बाय एक्स की टर्म्स बचनी चाहिए, तो एक एक्स को मैं कैंसिल कर रही हूँ इसके साथ, दैट वुड बी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो अब क्या बचा, एक्स की पावर एन माइनस वन हमने पूरे में से बाहर निकाल दिया, एन टाइम्स फाइव वाई बाई एक्स प्लस का एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन फाइव डैश वाई बाई एक्स इंटू में माइनस वाई बाई एक्स, सो दिस ऑल हैव एक्स की पावर एन माइनस वन बाहर निकाल चुके हैं, दिस टर्म्स किस में आ रही है, ये सारी की सारी वाई बाई एक्स में आ रही है, so that can be put in the form x raised to power n minus 1 some function of y by x psi y by x, psi stands for this term, so that can be put in this form, curly u by curly x ki value aagi is form ki, so this is again homogeneous of degree n minus 1, homogeneous ke definition ne humne yahi diye, if it can be put in the form x raised to power n some function of y by x then this is homogeneous of degree n, so yahan n ki jagah kya aa raha hai n minus 1, so this is homogeneous of degree n minus 1, सेम हम निकाल देंगे अब करली जू बाय करली वाई, अगर हम करली पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई करें इसको, डिफरेंशिएशन यू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करली जू बाय करली वाई निकाले, तो दिस वुड बी विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो ये हमारा जो फंक्शन है वो टर्म है जो वो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हमने जब वाई के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो एक्स को कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, सो दिस ये मल्टीप्लाई में रह जाएगा, सिर्फ फाइव का ही डेरिवेटिव होगा, फाइव डैश पहले तो वाई वाई एक्स का फिर से विद रिस्पेक्ट टू वाई,
विद रिस्पेक्ट टू वाई करने जा रहे हैं, तो वन आ जाएगा वाई का और वन बाय एक्स कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा। लेकिन कि हमारे पास वाई बाई फाइव है, तो वाई बाई फाइव का डेरिवेटिव वन बाय फाइव होगा। सेम यहाँ पर एक्स हमारा फाइव का रोल प्ले कर रहे, तो यहाँ पर आगे हमारे पास दैट वुड बी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो फिर से उसी फॉर्म का बन गया, एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। फाइव डैश को नया नाम अगर हम साई भी पुट कर दें, तो एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन साई ऑफ वाई बाई एक्स। तो दिस इज अगेन होमोजेनियस ऑफ डिग्री एन माइनस वन। तो अगर जू हमारे पास टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, तीन वेरिएबल्स का भी होता है तो भी होता कि फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जितने भी आ रहे हैं, तीन आ रहे होंगे अगर तीन वेरिएबल का है, तो वो अगेन होमोजेनियस होंगे ऑफ डिग्री एन माइनस वन। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम हम करने जा रहे हैं, आयलर थ्योरम, और बहुत सी जगह हम उसको अप्लाई करते हैं, काफी क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं उससे हमारे पास करने के लिए। तो स्टेटमेंट क्या है आयलर थ्योरम, पहले तो आयलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। स्टेटमेंट क्या है, इफ यू एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स में ऑफ डिग्री एन, एन डिग्री का होमोजेनियस, देन एक्स टाइम्स कर ली यू बाई कर ली एक्स प्लस वाई टाइम्स कर ली यू बाई कर ली वाई, दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स यू, डिग्री टाइम्स यू, एन स्टैंड फॉर डिग्री। कि अगर यू कोई भी होमोजीनियस फंक्शन हो उसकी डिग्री हमें पता है, तो ये जो साइड आएगी एक्स टाइम्स कर ली यू पे कर ली एक्स, वाई टाइम्स कर ली यू पे कर ली वाई, दैट ऑलवेज इक्वल टू एन टाइम्स यू। तो क्या फायदा होता है हमारे पास कि हमें जब सिंपल इतनी चीज कैलकुलेट करनी हो, तो हमें कर ली जब भी कोई भी फंक्शन दे रखा हो, यू कोई भी फंक्शन हो, कितना कॉम्प्लिकेटेड भी क्यों ना हो, तो अगर हमें डिग्री पता है तो हमें ये चीज इवेल्युएट करनी है, तो वी शुड जस्ट राइट एन टाइम्स यू। हमें पूरा के पूरा इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये चीज किसके बराबर होगी एन टाइम्स यू के, वेयर यू इज एनी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ। तो हमें वेरीफाई करना हो, जब हमें आयलर थ्योरम का वेरीफाई करना हो, दैट मीन्स हमें दोनों साइड बराबर निकाल के दिखानी है, जब हमें आयलर थ्योरम को अप्लाई करना हो न्यूमेरिकल्स में, तो हम सीधा ही अगर हमें ये साइड इवेल्युएट करनी है, तो हम सीधा लिख देंगे बाय आयलर थ्योरम दिस इज एन टाइम्स यू, वेयर यू इज द गिवन फंक्शन और एन हमारे पास डिग्री ऑफ द होमोजेनियस फंक्शन। पहले प्रूफ करने जा रहे हैं इसका, फिर कैसे अप्लाई करना है और कैसे वेरीफाई करना है उसके ऊपर आएंगे, प्रूफ के ऊपर। नाउ यू इज होमोजीनियस फंक्शन, u is homogeneous function of degree n, that means u can be put in the form x raised to power n some function of y by x। तो हमने इस फॉर्म में पुट कर दिया, वेर एन हमारे x कर ली u by कर ली y, मल्टीप्लाई करेंगे कर ली u by कर ली x को x के साथ, कर ली u by कर ली y को y के साथ, और ऐड कर देंगे और वो इसके बराबर आना चाहिए। तो अभी हमने सेम निकाला था, कर ली u by कर ली x, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल से किया था हमने, एन टाइम्स एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन एफ एज इट इज प्लस एक्स रेस टू पावर एन एज इट इज एफ का, पहले तो एफ डैश एंड देन वाई बाई एक्स का वन बाय माइनस का वन बाय एक्स स्क्वेयर वाई एज इट इज। तो एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन हमने बाहर निकाल दिया था, क्या बचेगा ये एन टाइम्स एफ वाई बाई एक्स प्लस एक एक्स कैंसिल कर दिया एफ डैश वाई बाई एक्स साथ में माइनस का वाई बाई एक एक्स कैंसिल करने के बाद, कर ली यू बाई कर ली वाई पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू वाई जब डेरिवेटिव लोगे ये कांस्टेंट है, एक्स रेज़ टू पावर एन एज इट इज एफ का पहले तो एफ डैश एंड देन वाई बाई एक्स का फिर से वन बाई एक्स, सो दैट वुड बी एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन एफ डैश वाई बाई एक्स। तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई, कर ली यू पे कर ली एक्स भी आ गया, कर ली यू पे कर ली वाई भी आ गया। हमने जो निकालना है कि इस टर्म को तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको हमने करना है वाई के साथ मल्टीप्लाई, तो और उन दोनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय एक्स सेकेंड इक्वेशन बाय वाई एंड देन एड। तो क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट साइड तो मिल जाएगी एक्स इंटू कर ली यू पे कर ली एक्स प्लस वाई टाइम्स कर ली यू पे कर ली, दिस वुड बी एक्स टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, तो एक्स की पावर एन माइनस वन है तो एक्स की पावर एन हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स के साथ ये बचेगा एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स प्लस एफ डैश वाई बाई एक्स माइनस का वाई बाई एक्स।
ये वाली टर्म जब x की x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस x रेस टू पावर n माइनस वन y टाइम्स f डैश y बाई x। तो अब इन दोनों में से सिंपलीफाई करें अगर हम, ये वाली जो टर्म है x रेस टू पावर n, x हमारे पास यहाँ पर, तो x की पावर n माइनस वन बचेगी, माइनस का y टाइम्स f डैश, तो प्लस का y टाइम्स f डैश x रेस टू पावर n, ये टर्म जो है वो हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास, n टाइम्स x रेस टू पावर n f ऑफ y बाई x। ये किसकी वैल्यू है, ये u है हमारे पास, दिस वॉज u, दिस इज n टाइम्स u। यही हमें निकालना था कि x इंटू कर ली u बाई कर ली x, प्लस का y इंटू कर ली u बाई कर ली y, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स u। तो ये सिंपल हमने होमोजीनियस की वजह से निकाला, u कोई भी होमोजीनियस फंक्शन होगा तो ये साइड हमेशा ही n टाइम्स u के बराबर आएगी। तो अब हम एक सिंपल से क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये वेरीफाई आयलर थ्योरम, जब हमें वेरीफाई करनी है तो दैट मीन्स हमने निकाल के दिखाना है लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल। इफ यू एक्स वाई इज गिवन टू बी, सिंपल सा क्वेश्चन लेके, ए एक्स स्क्वेयर टू एच एक्स वाई प्लस का बी वाई, वेरीफाई आयलर थ्योरम। तो आयलर थ्योरम अगर हमने वेरीफाई करनी है तो पहले तो होमोजीनियस होना जरूरी है। यू कैन बी पुट इन द फॉर्म, अगर पूरे में से एक्स स्क्वेयर बाहर निकाल दें तो व्हाट वुड वी गेट, टू एच वाई बाय एक्स प्लस बी वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर, या वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर को लिख सकते हो। तो दिस वुड बी एक्स स्क्वेयर फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। नाम हम फाई रखे, साई रखे, एफ रखे, दैट डजेंट मैटर, हमारे पास इस फॉर्म का देखना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास अंदर वाले सारे टर्म वाई बाय एक्स की फॉर्म में। तो दिस मीन्स यू इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री टू। तो जब हमें वेरीफाई करनी है, आयलर थ्योरम तभी वेरीफाई होगी जब यू हमारा होमोजीनियस गिवन होगा। तो अब हम प्रूव करेंगे क्या, वी शेल प्रूव एक्स इंटू कर ली यू बाई कर ली एक्स प्लस वाई इंटू कर ली यू बाई कर ली वाई, दैट इज इक्वल टू डिग्री टाइम्स यू। डिग्री मेरी दो है, यू इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री टू। तो एन टाइम्स यू था, एन हमारे पास दो के बराबर आ गया। तो अब कर ली यू बाई कर ली एक्स क्या हो जाएगा, पहले तो हमारा इसी को ही पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें, टू एक्स वाई को कांस्टेंट मानना है, एक्स का यहां वन हो जाएगा, टू एच वाई बचा रह जाएगा मल्टीप्लाई। कर ली यू बाई कर ली वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स को कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, फर्स्ट टर्म का जीरो हो जाएगा, और फिर वाई का वन हो जाएगा, टू एच एक्स बचा रह जाएगा, प्लस का बी वाई स्क्वेयर का विद रिस्पेक्ट टू वाई, दिस इज टू बी वाई। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई, इसको वाई के साथ मल्टीप्लाई, सो दैट वी गेट एक्स इंटू कर ली जू बाई कर ली एक्स प्लस वाई इंटू कर ली जू बाई कर ली वाई, किसके इक्वल आ गया, टू ए एक्स स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद, प्लस टू एच एक्स वाई वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद, टू एच एक्स वाई प्लस टू बी वाई स्क्वेयर। तो टू टाइम टू हर एक में से कॉमन ले लिया हमने, दैट वुड बी ए एक्स स्क्वायर एच एक्स वाई, दोनों ही टर्म एच एक्स वाई के, दैट इज फोर टाइम्स एच एक्स वाई, और दो हमने बाहर निकाल दिया, तो टू एच एक्स वाई बचेगा प्लस का बी वाई स्क्वेयर। तो ये क्या है हमारे पास, गिवन फंक्शन यू, तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स, यही हमने निकालना था, एक्स इंटू कर ली यू बाई कर ली एक्स, वाई इंटू कर ली यू बाई कर ली वाई, दैट इज इक्वल टू डिग्री टाइम्स यू। तो जो हमें सिंपल वेरीफाई करना है तो हमें दोनों साइड निकालनी है और प्रूव करना है इक्वल आएगी। तो दिस वाज द वेरिफिकेशन। अब जब हमें अप्लाई करना, तो हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, उन क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हैं हम। सपोज अब हमारे पास यू गिवन है, यू इज गिवन टू बी एक्स रेस टू पावर फोर प्लस वाई रेस टू पावर फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। प्रूव दैट, सिंपल प्रूव करना है हमें, एक्स इंटू कर ली यू बाई कर ली एक्स प्लस वाई इंटू कर ली यू बाई कर ली वाई, दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए एक मेथड तो है कि हम ये साइड निकालें पूरी और निकाल के दिखाएं, वो टू यू के बराबर आएगी। एक है जस्ट अप्लाई द आयलर थ्योरम, अप्लाइंग द आयलर थ्योरम, हम पहले निकाल दें कि यू हमारा होमोजीनियस है, और उसके बाद हम अगर होमोजीनियस है तो आयलर थ्योरम एप्लीकेबल होगी। और आयलर थ्योरम क्या कह रही है कि ये साइड किसके बराबर होगी, डिग्री टाइम्स यू के बराबर। तो हम पहले तो होमोजीनियस चेक कर लेते हैं,
यू कैन बी पुट इन द फॉर्म सो दिस इज एक्स स्क्वेयर फंक्शन ऑफ वाई बाय सो यू इज होमोजेनियस यू इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री टू देयरफॉर बाय आइलर थ्योरम सिंपल था कि आइलर थ्योरम x इंटू करली यू बाई करली x प्लस y इंटू करली यू बाई करली y दैट इज इक्वल टू डिग्री टाइम तो ये आ गया बस इतना ही क्वेश्चन करना है हमें जब हमें सिंपल प्रूव करना है तो जस्ट अप्लाई द आइलर थ्योरम ये साइड इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है अदरवाइज दैट वुड बी कॉम्प्लिकेटेड कि हम करली यू बाई करली x निकालते करली यू बाई करली y निकालते उसको x के साथ मल्टीप्लाई इसको y के साथ मल्टीप्लाई तब हम निकालते कि वो टू यू के बराबर आ रहा है लेकिन सिंपल आइलर थ्योरम की हेल्प से हमने जस्ट देखना है इफ दिस इज होमोजीनियस देन दिस साइड ऑलवेज और यही इस तरह का कोई एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है तो इस तरह का एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है एंड टाइम क्यू के बराबर सो डिग्री टाइम क्यू सो दिस बिकम इजी व्हेन वी अप्लाई आइलर थ्योरम और क्वेश्चन देखेंगे हम इसी तरह के अब नेक्स्ट सब जो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं यू हमारे पास दो वेरिएबल के बजाय तीन वेरिएबल का फंक्शन गिवन है अब हमारे पास हमने दो वेरिएबल का फंक्शन होमोजीनियस किस तरह का होता है अगर हम जो फंक्शन है एक्स वाई का अगर हम उसको इस फॉर्म में पुट कर पाए फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स देन इट इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री एन लेकिन अगर तीन वेरिएबल का फंक्शन है या तीन के बजाय चार का भी तो हमारे पास क्या होगा इट मीन्स अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन है एक्स क्यूब वाई जेड प्लस वाई क्यूब जेड प्लस वाई जेड क्यूब तो हर एक टर्म की डिग्री चार है तो अब हमारे पास तीन वेरिएबल का फंक्शन हर एक टर्म की डिग्री सेम है तो अब इसमें से हाइएस्ट पावर हो हमारे पास जो भी डिग्री चल रही है उतनी ही पावर हम बाहर निकालेंगे चार डिग्री चल रही है तो चार पावर हमने बाहर निकाली तो चार डिग्री के साथ जितनी डिग्री उतनी ही हमने बाहर निकाली अब जो बचा y बाय एक्स जेड बाय एक्स वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब जेड बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स जेड क्यूब बाय एक्स सो क्या पुट किया हमने दैट मीन्स एक्स रेस टू पावर एन फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स एंड जेड बाय एक्स सारी जो टर्म्स चलेंगे अंदर वाली That would be of the term y by x and z by x. So homogeneous, हर एक टर्म की डिग्री सेम है तो जितनी भी डिग्री हाइएस्ट डिग्री उतनी हमने बाहर निकाली एंड दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म फंक्शन ऑफ y by x. अंदर वाली जो भी टर्म है या तो z by x की है या y by x की तो इट मीन्स अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस है तीन वेरिएबल्स में या तीन के बजाय चार में भी होगा तो भी हमारे पास क्या बचेगा यू इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म एक्स रेस टू पावर एन फंक्शन ऑफ y by x एंड z by x. तो जो x बाहर निकाल रहे हो वो डिग्री के साथ बाहर निकलेगा सपोज इसी तरह से मान लो चार वेरिएबल का फंक्शन है x, y, z, t और जो होमोजीनियस कब होगा इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म फंक्शन ऑफ y बाय एक्स जेड बाय एक्स एंड t बाय सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन फॉर हायर वेरिएबल मोर देन टू वेरिएबल अब आइलर थ्योरम दो वेरिएबल के लिए भी नहीं जनरल कितने भी वेरिएबल्स हों उन सब के लिए आइलर थ्योरम होल्ड करेगी तो दो वेरिएबल के लिए आइलर थ्योरम क्या थी x टाइम्स कर ली यू बाई कर ली x, y टाइम्स कर ली यू बाई कर ली y, दैट इज इक्वल टू डिग्री टाइम्स u. तीन वेरिएबल के लिए आइलर थ्योरम क्या हो जाएगी x टाइम्स कर ली यू बाई कर ली x, y टाइम्स कर ली यू बाई कर ली y, z टाइम्स कर ली यू बाई कर ली z, दैट इज इक्वल टू डिग्री टाइम्स u. तीन वेरिएबल इसी तरह से चार के लिए होगी t और लगा दे कर ली यू बाई कर ली x, x कर ली यू बाई कर ली y, y करली यू बाई करली जेड जेड टी करली यू बाई करली टी दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स यू तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे सबके लिए ही आइलर थ्योरम होल्ड करती है अब जो हमारे पास फंक्शन गिवन है दैट इज ऑफ थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड तो पहले तो हम होमोजीनियस चेक कर लें क्योंकि जब भी हमें इस तरह का एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना हो तो हमें डिग्री टाइम्स यू निकालना तो आइलर थ्योरम लगानी है अगर होमोजीनियस होगा तभी इस तरह का एक्सप्रेशन इवेल्युएट कर सकते हैं आइलर थ्योरम से अदरवाइज नहीं होगा यूजिंग आइलर थ्योरम फिर तो तुम्हें डायरेक्टली निकालना पड़ेगा ये कितना आएगा अगर होमोजीनियस नहीं है तो अब हमारे पास यू को अगर हम एक्स स्क्वेयर हमने बाहर निकाल दिया फंक्शन को वाई बाई एक्स की फॉर्म पुट करनी तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट मीन्स वन बाय एक्स और अंदर वाली जो चीज बची वाई बाई एक्स का फंक्शन और जेड बाय एक्स का फंक्शन दैट मीन्स एक्स इनवर्स फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स जेड बाय एक्स तो डिग्री कितनी होगी दिस मीन्स यू इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री माइनस वन यू इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री माइनस वन बाय आइलर थ्योरम
एक्स इंटू कर ली जू बाई कर ली एक्स, वाई कर ली जू बाई कर ली वाई, जेड कर ली जू बाई कर ली जेड, डिग्री टाइम्स जू। डिग्री कितनी है यहाँ? -1, यही हमें इवेल्युएट करना। सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन फॉर मोर देन टू वेरिएबल्स। तो सिंपल जू को हमने होमोजीनियस चेक करना है और उसके बाद हमने देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहे हैं, जू इज इक्वल टू लोग ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई। क्या ये पहले होमोजीनियस है? एक्सप्रेशन उसी तरह का इवेल्युएट करना है जो आयलर थ्योरम में था, लेकिन पहले चेक करो क्या ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्या ये उस फॉर्म में पुट किया जा सकता है कि लोग ऑफ जितने भी हाईएस्ट पावर एक्स की है बाहर निकाल दी, दैट इज रूट ऑफ वाई बाई एक्स। दिस कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म एक्स की पावर एन लोग फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। ये फंक्शन, ये वाली टर्म तो फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स है, दिस टर्म इज नॉट फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। अगर ये टर्म ना होती तब हमारे पास होमोजीनियस था, ये टर्म यहां होती तो भी होमोजीनियस था, बट अब ये टर्म यहां आ रही है, दिस इज नॉट होमोजीनियस। तो अब होमोजीनियस जब इस तरह का एक्सप्रेशन हो, इस तरह के फंक्शन हम ट्रांजिडेंटल फंक्शन बोलते हैं, लोग आ जाए साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेंजेंट इनवर्स, इस तरह की जब भी एक्सप्रेशन आ जाए दैट इज कॉल्ड ट्रांजिडेंटल फंक्शन। ई भी आ जाए, एक्सपोनेंट आ जाए यहाँ पर, तब भी हमारे पास क्या बोलेंगे हम इसको, ई आयलर कॉन्स्टेंट 2.718 जिसको हम बोलते हैं, तो अगर वो भी आ जाए दैट मीन्स ट्रांजिडेंटल फंक्शन। तो ट्रांजिडेंटल फंक्शन को हैंडल करने का तरीका, तो लोग अब इधर जाके एंटी लोग लेंगे, अगर हम दोनों साइड टेकिंग एंटी लोग ऑन बोथ साइड, तो ये फंक्शन ई रेस्ट पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ई रेस्ट पावर यू में ई इज आयलर कॉन्स्टेंट, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई। ई रेस्ट पावर यू को ही हम नया नाम दे दें, समथिंग वी नाम रख दिए, v इज ई रेस्ट पावर यू देन, और v फंक्शन है x एंड y का, v इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज अगेन फंक्शन ऑफ x एंड y, तो हमारे पास चेन रूल बन रही है, v इज ई रेस्ट पावर यू, u इज फंक्शन ऑफ x एंड y, और u की वैल्यू जो है वो ये। अब v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ई रेस्ट पावर यू और ई रेस्ट पावर यू तो इसके बराबर है, दैट मीन्स v अब होमोजीनियस बन सकता है। u तो ओरिजिनली होमोजीनियस नहीं था, बट v होमोजीनियस बन जाएगा। कितनी डिग्री का? v इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1/2, इट मींस आयलर थ्योरम v के लिए तो अप्लाई हो जाएगी, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1/2। तो x इंटू बाय आयलर थ्योरम, x इंटू कर ली v बाय कर ली x, y इंटू कर ली v बाय कर ली y, दैट इज इक्वल टू डिग्री टाइम्स v, v होमोजीनियस। लेकिन हमें तो आंसर u में चाहिए, v में तो नहीं चाहिए, तब हम क्या करेंगे, v क्योंकि हमें डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, u का ही विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए, और हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा है v का विद रिस्पेक्ट टू x, v का विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम v का डेरिवेटिव निकालेंगे यूजिंग दिस रिलेशन इन टर्म्स ऑफ u। तो कर ली v बाय कर ली x, v इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ x, तो इट मीन्स चेन रूल लगेगा, पहले तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एंड देन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, e रेस्ट पावर u का विद रिस्पेक्ट टू u वापस यही आ जाएगा एंड देन u का विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, v का डेरिवेटिव हमने यहां से नहीं निकालना, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि आंसर मुझे u में चाहिए, इसलिए u को तो यूज करना हमें, v इज फंक्शन ऑफ u, तो v की वैल्यू, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया e रेस्ट टू पावर u एंड देन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो पहले तो e रेस्ट टू पावर u का u के विद रिस्पेक्ट टू एंड देन u का विद रिस्पेक्ट टू y, सिंपल सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इन दिस टर्म, तो क्या आ जाएगा, x इंटू कर ली v बाय कर ली x की वैल्यू, e रेस टू पावर u कर ली u बाय कर ली x, प्लस y टाइम्स e रेस टू पावर u बाय कर ली y, एंड दैट इज हाफ टाइम्स v, v क्योंकि हमें आंसर सब कुछ u में चाहिए, तो v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u कितनी है, e रेस टू पावर, e रेस टू पावर u थ्रू आउट कैंसिल कर दिया हमने, सो दिस वुड बी x टाइम्स कर ली u बाई कर ली x, y टाइम्स कर ली u बाई कर ली y, दैट इज हाफ, यही हमें इवेल्युएट करना। तो जब अगर इस तरह का फंक्शन हो, अंदर वाली टर्म तो हमें दिख रही है होमोजीनियस है, बट इस टर्म की वजह से वो होमोजीनियस नहीं है, तो इस टर्म को हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, दैट मीन्स वो एंटी लोग है, यानी यहाँ साइन इनवर्स होगा तो इधर जाके साइन कन्वर्ट हो जाएगा, कोस इनवर्स होगा तो इधर जाके कोस हो जाएगा। तो जब हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो कि दिस टर्म इज होमोजीनियस, ड्यू टू दिस टर्म दिस इज नॉट होमोजीनियस, देन दिस टर्म इज ट्रांसफर टू दिस, तो हमारे पास यहाँ जो नई वाली आएगी वैल्यू, दिस इज होमोजीनियस, तो v के ऊपर अप्लाई किया, v की वैल्यू तो u की टर्म्स में है, और फिर v के डेरिवेटिव दोनों ही x वाले और y वाले u की टर्म्स में निकाले, v की वैल्यू ही यहाँ u की टर्म्स में पुट की और हमने आंसर निकाला। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह का,
सेम इसी तरह का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्या है हमारे पास? यू है कोस इनवर्स एक्स प्लस वाई रूट एक्स प्लस रूट वाई, हमें इवेल्युएट करना है. एक्स इंटू कर लीजिए पे कर लिए, वाई इंटू कर लीजिए पे कर ली वाई, दैट इज हाफ माइनस का हाफ फॉर टेंजेंट ऑफ यू. तो यू हमारे पास किसके इक्वल है? यू है कोस इनवर्स एक्स प्लस वाई रूट एक्स प्लस रूट वाई. ऑब्वियसली ये टर्म तो होमोजीनियस बन जाएगी, बट ड्यू टू कोस इनवर्स दिस इज नॉट होमोजीनियस. कोस इनवर्स को यहाँ पे कोस यू वी नाम रखा हमने कोस यू का, और वी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? वी की वैल्यू आ गई रूट एक्स प्लस रूट वाई. तो वी इज एक्स प्लस वाई रूट एक्स प्लस रूट वाई. कितना डिग्री का बना? हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स यहां से कॉमन, हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स यहां से कॉमन. तो दिस इज वाई बाई एक्स की टर्म बच गई. एक्स रेस टू पावर वन बाय टू फंक्शन ऑफ वाई बाई, तो वन पावर वन बाय टू पावर, तो वन बाय टू पावर बचेगी. दैट मीन्स वी इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री वन बाय टू. अप्लाई आयलर थ्योरम फॉर वी. एक्स इंटू कर ली वी बाई कर ली एक्स, वाई इंटू कर ली वी बाई कर ली वाई, दैट इज हाफ टाइम्स वी. हमें तो आंसर यू में चाहिए ना कि वी में. तो वी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यू, वी हमारे पास ये सब कुछ यू के टर्म्स में ले आए. कर ली वी बाई कर ली एक्स, कोस यू का डेरिवेटिव पहले तो विद रिस्पेक्ट टू यू, एंड देन यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वी बाई वाई कर ली वी बाई कर ली वाई, वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पहले तो यू के विद रिस्पेक्ट टू एंड देन यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई. पुट कर दो ये दोनों वैल्यूज यहां पर. एक्स इंटू माइनस का साइन यू कर ली यू बाई कर ली एक्स, प्लस का वाई टाइम्स माइनस का साइन यू बाई कर ली वाई, दैट इज हाफ टाइम्स. सब कुछ आंसर यू में, वी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यू यहां भी कितनी थी? कोस यू. तो ये आ गया माइनस साइन यू से डिवाइड कर दो, जो कि हमें तो क्या चाहिए? एक्स इंटू कर ली यू बाई कर ली एक्स, वाई इंटू कर ली यू बाई कर ली वाई, दैट इज माइनस साइन यू से डिवाइड कर दोगी, तो माइनस का हाफ कोस यू ओवर साइन यू, दैट मीन्स माइनस का हाफ कोटेंजेंट यू. यही हमें इवेल्युएट करके दिखाना था. तो ये वो क्वेश्चन है ट्रांसजेंडल क्वेश्चन, हमारे पास ट्रांसजेंडल फंक्शन के एग्जाम्पल है जहां हमने आयलर थ्योरम को डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया, बट एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके हमने आयलर थ्योरम को यूज किया. अदरवाइज जब हम डायरेक्टली मान लो इसका करते यूजिंग नॉट यूजिंग आयलर थ्योरम, तो क्या करते हम? पहले यू बाई कर ली एक्स इवेल्युएट करते, पहले तो कोस इनवर्स का मीनिंग खोलते डेरिवेटिव का, फिर अंदर वाली टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते, सेम इसी तरह से कर ली यू बाई कर ली वाई निकालते, एक्स को मल्टीप्लाई करते कर ली यू बाई कर ली एक्स के साथ, वाई को मल्टीप्लाई करते कर ली यू बाई कर ली वाई के साथ, तब निकलता ये हाफ टाइम माइनस का हाफ टाइम कोटेंजेंट. दैट वुड बी कॉम्प्लिकेटेड. यूजिंग आयलर थ्योरम दिस इज सिंप्लीफाइड. तो हमारे पास आयलर थ्योरम को हम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई